Good morning, students. Myself Pravati Mori and I am from Shahjinagar BMC English Secondary School. आज आपला विषय मराठी विषय आहे. आज आपण मराठी विषयातील आपला अक्षर भारती जो विषय आहे मराठी त्या विषयाचा जो प्रश्नपत्रिका येते आपल्याला तो विभाग पाच मध्ये उपयोजित लेखन म्हणजे रायटिंग स्किल जो टॉपिक येतो तिथे प्रश्न पाचवा आ या प्रश्नामध्ये तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता. या प्रश्नामध्ये तुम्हाला असं विचारले जाते की पुढील तीन कृतीपैकी कोणत्याही दोन कृती सोडवा गुण दहा. मतलब क्या तो आपको ये जो क्वेश्चन आने वाला है इसमें तीन टॉपिक दिया जाएगा. जैसे कि पहला है जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन. और ये तीनों में से आपको कोई भी दो टॉपिक अच्छे से जो आता है वो आपको लिखना है. प्रत्येक ही पास म्हणजे आपको पर टॉपिक कितना है 5 मार्क्स है. तो आज हम यही क्वेश्चन लेने वाले हैं. इस क्वेश्चन में हम जो पहला है टॉपिक जाहिरात लेखन, तो जाहिरात लेखन आज हमारा टॉपिक है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जाहिरात लेखन कैसे करना है. ओके, एडवर्टाइजमेंट जाहिरात कशी लिहायची, कशी बनवायची, जाहिरात कशा प्रकारे क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर मध्ये प्रश्न कसा येतो ते आज आपण आजच्या लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. ओके, आजचा आपला टॉपिक आहे जाहिरात लेखन. जाहिरात लेखन मतलब सबको पता है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है. आगे जाहिरात लेखन म्हणजे लेखकी बोलते तो देखो आज जाहिरात हा सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्याचा यशस्वीतेवर उत्पादनाच्या विक्री आरेख करतो. म्हणून एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करणे आहे आणि ते आत्मसात करणे हे व्यवसायाच्या यशाचे महत्त्वाचे तंत्र आहे. संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात इंटरनेट व भ्रमणध्वनी यांच्यातील जाहिर क्षेत्राची कक्षा अधिक विस्तारते आहे. लोकांच्या मनात बाबत आवड निर्माण करणे या त्यांकडे लोकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रमुख उद्देश असतो. देखो अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया आएगा तो हमें से पता चलता है जब हम टीवी पे जो सीरियल के बीच में या मूवीज के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट नया आया है. अगर जाहिरात वो लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे ही नहीं तो हमें पता चलेगा क्या, कस्टमर को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट नया है नहीं. तो इसके लिए जाहिरात करना बहुत जरूरी है. जाहिरात करना मतलब से भी नहीं तो उसको अट्रैक्टिव करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल मेरा का ट्यूशन खोला है तो अपने आप मेरे ट्यूशन में बच्चे बैनर बनाना पड़ेगा, राइट. तो एडवर्टाइजमेंट बनाना पड़ेगा, जाहिरात बनाना पड़ेगा कि मेरा ट्यूशन मेरे ट्यूशन में क्या बेटी है, ये आटे तो वो आटूंगी तो लोगों को पता चलेगा कि ट्यूशन है आलो, ठीक है. तो इसके लिए जाहिरात करना बहुत जरूरी है. और अभी नाउ डेज यू कैन सी कि हम लोग कंप्यूटर पे मोबाइल पे बहुत सारे हम लोग के सोशल मीडिया के थ्रू भी हम जाहिरात कर सकते हैं, ठीक है. कोई भी फेसबुक रहे या इंस्टाग्राम रहे किसी के ऊपर भी हम जाहिरात कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट रहेगा या जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट रहेगा वो क्या होगा, पब्लिसिटी उसकी बढ़ेगी. के लिए जाहिरात बहुत जरूरी है. ओके स्टूडेंट्स, तो जाहिरात का मतलब आपको समझ में आया. अब देखो जाहिरात लेखन करताना अभी जाहिरात कैसे बनाना है, लेखन कैसे करना है. तो लेखन करने के लिए कुछ फॉर्मेट रहता है, कुछ ये मेन पॉइंट रहते हैं कि जो हमें ध्यान से याद में रखना है, ठीक है. देखो जाहिरात लेखन करताना खालील महत्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यावे. अभी कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, देखो जाहिरात हा संदेश स्वरूपाचा संवाद असतो आणि कोणत्याही संवादाचे महत्त्वाचे माध्यम भाषा हेच असते. या दृष्टीने जाहिरात लेखनात भाषा ही पुढील प्रमाणे महत्त्वाची ठरते. भाषा मतलब क्या, लँग्वेज. लँग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है.
ठीक है, कि हम किस तरह से कैसे हम जाहिरात बना रहे हैं। देखो अभी फर्स्ट पॉइंट क्या है, कमीत कमी शब्दा जास्तीत जास्त आशय ही उत्तम जाहिरातीचे सूत्र आहे। अगर हमने बहुत सारा ऐसे की तरह हमने जाहिरात बनाया कंपोजिशन की तरह, तो वो कोई रीड करेगा हमारा जाहिरात? नहीं। तो इसके लिए फर्स्ट और मेन पॉइंट क्या है, तो कमीत कमी शब्दात मतलब कम से कम शब्द में हमें जाहिरात बनाना है, ठीक है, तो ही वो अच्छा और अट्रैक्टिव दिखेगा और लोग जल्दी पढ़ सकेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, जाहिराती कडे लक्ष वेधले जाईल अशी लक्षवेधी शब्द रचना करावी। मतलब क्या कि अपना ध्यान उसके ऊपर जाना चाहिए, ऐसे हमें शब्द वहां पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ अच्छे प्रोडक्ट आ रहा है तो कैसे आएगा, तो खुशखबर खुशखबर खुशखबर, मतलब वो क्या होगा, वो ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए कि जिससे हमारा उसके ऊपर ध्यान जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, कशाची जाहिरात आहे हे ठळकपणे व आकर्षकपणे नमूद करावे। अब किसका जाहिरात है, मेन जो टाइटल है जाहिरात का, जैसे आइसक्रीम का है, तो आइसक्रीम का वो जो आइसक्रीम पार्लर का जो नाम है वो बोल्ड में लिखना है, बहुत बड़े अक्षरों में लिखना है, तो ही समझ में आएगा कि किसका जाहिरात है। ठळकपणे मतलब एकदम डार्क और अच्छे से लिखना है, मतलब वो सच में आना चाहिए कि का जरूरत, ठीक है, अट्रैक्टिव रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, आलंकारिक काव्य में प्रभावी शब्दांचा वापर करून जाहिरात अधिक आकर्षक करावी। आलंकारिक काव्य में मतलब आप पोएम लिख सकते हो या प्रोवर्ब डाल सकते हो, स्लोगन यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, और जो एडवर्टाइजमेंट है आपका अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट देखो, जाहिराती समर्पक व लक्षेधी भाषेला महत्व असावे। क्या जो लैंग्वेज हम लोग यूज करने वाले वो क्या अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, ग्राहकांची बदलती आवड सवयी फैशन व गरज यांचे प्रतिबिंब जाहिराती असावे। ग्राहकांचे कस्टमर कस्टमर जो चॉइस है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फैशन का अभी जो आया तो वो क्या ट्रेंड चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, अगर मोबाइल का शॉप में पुराने जमाने के छोटे वो बटन वाले मोबाइल यूज का रखूंगी शॉप में, तो ये नहीं लेगा, तो इसके लिए कस्टमर चॉइस, कस्टमर अभी का फैशन क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा मोबाइल ज्यादा चलता है, वो मुझे पता होना चाहिए। तो इसके लिए तो वो जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर की चॉइस क्या है, अभी का फैशन क्या है, उनकी जरूरत क्या है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे हमें जाहिरात बनाना है। नेक्स्ट है, जाहिराती मधील उत्पादनाची गुणवत्ता महत्वाची, ठीक है, त्यामुळे सवलतीचा उल्लेख असणे आवश्यक नाही। हर टाइम हम लोग नहीं है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हम यूज करने वाले हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छा होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखो, जाहिरातीमध्ये संपर्क स्थळाचा पत्ता, संपर्क क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आयडी यांचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे। तो जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग लिखने वाले हैं वहां पे हमें अपना जो शॉप रहेगा तो उसका एड्रेस हमें प्रॉपर लिखना है, संपर्क क्रमांक मोबाइल नंबर हमें लिखना है, ईमेल आईडी हमें लिखना है, ठीक है। अभी ये सब कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगी आगे। देखो, पहले देखो, कृति पत्रिके मध्ये जाहिरात लेखन करताना, अभी जब आप आंसर पेपर पे जाहिरात लेखन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो पहले आपको पेंसिल से वापर करू नहीं, पेंसिल से आपको नहीं लिखना है। अगर आपको पेंसिल से लिखना है तो मार्क करो, बॉर्डर बनाओ, बॉक्स बनाओ, पर जो लिखने का है वो आपको पेन से ही लिखना है। ओके, चित्र काटने की आवश्यकता नहीं, हर टाइम ड्राइंग करना जरूरी है ऐसे नहीं है। अगर आपको आता है तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, पर बहुत बड़ा ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, जाहिरात लेखन 50 से 60 शब्दात करने अपेक्षित है।
50 to 60 वर्ड्स में करना है आपको। कंपोजिशन ऐसे की तरह, निबंध की तरह नहीं लिखना है, याद रखो आप, ठीक है। और कम से कम मतलब एकदम 3-4 ही वर्ड में नहीं लिखना है, तो 50 to 60 वर्ड्स वहां पे आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, जाहिरात लेखन करता ना आकर्षक पद्धति ने लेखन अपेक्षित, आकर्षक अट्रैक्टिव दिखना चाहिए आपका जो हैंड राइटिंग है, एकदम क्लीन और नीट और अच्छे हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, आकर्षक लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइटल रहेगा, जो शॉप का नाम रहेगा, वो बोल्ड में लिखना है, थोड़ा बड़ा हैंड राइटिंग में लिखना है, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कृति पत्रिकेत पुढील पैकी एका विषयावर जाहिरात लेखन विचारले जाईल, कौन सा? देखो अभी जाहिरात लेखन में कैसे आएगा, तो जाहिरात लेखनाच्या मूल्यमापन कृती, शब्दांवरून जाहिरात लेखन, आपको कोई वर्ड्स दिए जाएंगे उसके ऊपर आपको जाहिरात लेखन करना पड़ेगा, ओके। मतलब प्रश्न पत्रिका में, क्वेश्चन पेपर में कैसे किस टाइप में जाहिरात लेखन आएगा, देखो जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडवणे, आपको एक जाहिरात दिया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन के आंसर आपको जाहिरात में फाइंड आउट करके लिखना है। नेक्स्ट देखो, विषय देऊन जाहिरात लेखन, सब्जेक्ट दिया जाएगा आपको, सिर्फ टॉपिक दिया जाएगी कि ये जाहिरात बना, ओके। जैसे चित्रकला प्रदर्शन, इसका जाहिरात बना, तो आपको पॉइंट वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उसको देख के, आपको टॉपिक को देख के क्या करना है, जाहिरात बनाना है। नेक्स्ट क्या है, दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन करणे, आपको एक जाहिरात रेडीमेड दिया जाएगा पर उसको और अच्छे से अट्रैक्टिव करके आपको लिखना है, और आपके ओन वर्ड्स से डाल के आपको वह अट्रैक्टिव बना के आकर्षक करना है, ओके। पुनर्लेखन मतलब फिर से एक बार सेम लिखना है आपको, बस आपको आपके ओन वर्ड्स में और थोड़े बहुत चेंजेस करके आपको वो जाहिरात अच्छा बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4 टाइप में 4 अलग अलग तरीके से जाहिरात पूछे जाएंगे, जैसे शब्दांवरून मतलब सिर्फ वर्ड्स दिए जाएंगे उसके ऊपर, उसके बाद जाहिरात दी जाएगी, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको, तो वो क्वेश्चन के आंसर आपको जाहिरात में फाइंड आउट करना है। और दूसरा है विषय दिया जाएगा, मतलब टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको जाहिरात लेखन करना है। और लास्ट क्या है, तो आपको जाहिरात दिया जाएगा और उसको आपको फिर से एक बार और अच्छे से आकर्षक करके लिखना है, ओके। तो ऐसे इस टाइप में आपको जाहिरात लेखन क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। लास्ट पॉइंट है, जाहिरातीचे भाषिक रूप महत्वाचे, भाषिक रूप मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो लैंग्वेज आप यूज करने वाले वो प्रॉपर और अच्छे से होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो, जाहिरात लेखन कसे करावे, अभी देखो कैसे करना है, तो पहले तो जाहिरात लक्ष्य वेधक असावी, मतलब उसके तरफ अपना ध्यान जाना चाहिए, अट्रैक्टिव रहना चाहिए। सेकंड है, लेखन आकर्षक असावे, जो लिखने वाले हम लोग एकदम अट्रैक्टिव अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है आपको। कमी शब्दात असावी, कम से कम शब्द में रहनी चाहिए। जाहिराती मधील भाषा, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। सामाजिक संकेत पाळणारी भाषा, सोशल जो मैसेज है वो अच्छे से वो फॉलो करके हमें लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है अपने मन से। विनोदी पाखरण असला सुद्धा, विनोदी पाखरण मतलब थोड़ा अच्छा हंसने को आएगा, ऐसे भी हम कुछ वर्ड्स वहां पे लिख सकते हैं, ओके। चित्र काढणे अपेक्षित नाही, ड्रॉइंग करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। संपर्काचा ठळक उल्लेख असावा, संपर्क मतलब जैसे हम लोग एड्रेस और जो कॉन्टेक्ट नंबर देने वाले, तो ठळक मतलब मेन वो पॉइंट्स रहना ही चाहिए जाहिरात लेखन में, ओके। तो इस तरह से हमें जाहिरात लेखन करना है। अभी देखो यहाँ पे आपको जाहिरात लेखन नमूना कृति, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है, खाली जाहिरात वाचावा, खाली कृती सोडवा, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के मतलब जाहिरात आएगा और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखो, वरील जाहिरातीचे अधिक आकर्षक स्वरूपात पुनर्लेखन करा,
अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो है नामराज पर्वते यांच्या गिर्यारोहक संस्थेतर्फे गिर्यारोहणाची संधी। अभी ये जो जाहिरात है ये आपको जो दिया है इसके उसको देख के सेम वही टॉपिक वही लेके आपको और अच्छे से लिखना है तो उसमें और आप अच्छे से डाल सकते हो। ओके तो यहाँ पे देखो एड्रेस नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है तो कुछ पॉइंट्स हम लोग ओन से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो एखादा विषय देऊ, वरील विषयावर आकर्षित जाहिरात तयार करा। अभी कौन सा है सेकंड देखो अलका ड्रेसेस शालेय गणवेशाचे विक्रेते, इतना दिया जाएगा वो जाहिरात आ रहा है। अलका ड्रेसेस मतलब इतना आपको समझ में आएगा कि टॉपिक का नाम जो शॉप का नाम आपको ऑलरेडी दिया है इसमें आपको चेंजेस कुछ नहीं करना है, अलका ड्रेसेस है तो वही रखना है। शालेय गणवेशाचे विक्रेते, गणवेश मतलब क्या तो यूनिफॉर्म, तो स्कूल के यूनिफॉर्म सेलर, विक्रेते मतलब सेलर, तो उसका शॉप है और शॉप का अलका ड्रेसेस, बस इतना ही आपको दिया जाए बना है वो देखिए। ओके अभी उसमें आप खुद का ऐड कर सकते हो कि आपका शॉप का नाम तो दिया है तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, फिर वहां पे गणवेश किस तरह के है, क्वालिटी कैसी है, वो आप ऐड करके बना सकते हो। फिर शॉप का टाइम क्या है, कौन से दिन शॉप बंद रहता है, वो भी आपको ऐड करना है, अगर आप वो भी दे सकते हो। शब्द वर्ड्स दी जाएंगे उसके ऊपर जाहिरात तैयार करना है। क्या वर्ड बेकिंग, केक स्पेशलिस्ट, आइसक्रीम, ताजे पदार्थों, ग्राहक समाधान। अपने वर्ड्स में आपको ये समझ में आए कि ये किसी डेरी प्रोडक्ट के एक जो बेकरी प्रोडक्ट रहता है तो उसके शॉप का जाहिरात है। तो यहाँ पे आपको एक बेकरी है तो उस बेकरी का आपको प्रॉपर नाम देना है। ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल गोकुल बेकरी से कुछ ना, ठीक है आपको ओन से वो टाइटल देना है, यहाँ पे दिया नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने दिया है अलका ड्रेसेस तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर अभी ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है तो आप यहाँ पे अपने ओन से नाम दे सकते हो। ठीक है अभी से क्या पता चलता है कि ये जो शॉप है इसमें क्या है, सब बेकरी प्रोडक्ट है। ओके उसके बाद केक स्पेशलिस्ट, केक है वहां पे, फिर उसमें केक में कौन सी वैरायटी है वो आप डाल सकते हो, चॉकलेट केक, वेनिला केक वो लिख सकते हो। आइसक्रीम है, आइसक्रीम के भी कौन से फ्लेवर है वो आप ऐड कर सकते हो। ताजे पदार्थ, ताजे पदार्थ फ्रेश पनीर है तो चीज है वो सब ऐड कर सकते हो, कौन से ताजे पदार्थ है। ग्राहक समाधानी मतलब क्या, तो कस्टमर सेटिस्फाइड है उनके शॉप से तो ये आपको दिखाना है। ठीक है और एज यूजुअल आपको क्या लिखना है, और संपर्क पता और संपर्क क्रमांक, ईमेल आईडी भी आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो याद रखो कि जाहिरात लेकर निकलने के टाइम पे क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो ये जो जाहिरात है यह आपको क्या करना है कि ऐसे ही दिया जाएगा क्वेश्चन और इस से कैसे वो आपको और अट्रैक्टिव करके लिखना है। अभी इसका हमें कुछ चेंजेस नहीं कर है वैसे ही लिखना है, पर इसमें और आपको ओन वर्ड्स आपके डालने हैं, आपकी कुछ न्यू आइडियाज रहेगी या कुछ न्यू वर्ड्स रहेंगे वो उसको डाल के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और अच्छे से आकर्षक करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स अभी देखो थंड थंड गार गार गुड्डीज आइसक्रीम पार्लर, आमच्याकडे सर्व प्रकारची व सर्व चवींची आइसक्रीम मिळतील। तो
यहाँ पे गुड्डीज आइसक्रीम पार्लर है, शॉप का नाम है, ये आपको चेंज नहीं करना है, जो दिया है वही आपको लिखना है। ओके, मैंगो, सीताफल, बटरस्कॉच, वेनिला, ब्लैकबेरी, टूटी फ्रूटी, अभी ये आइसक्रीम के फ्लेवर उन्होंने यहाँ पे बताया आपको, दूसरे फ्लेवर है वो भी डालते हो, चॉकलेट फ्लेवर है, वेनिला है, बटरस्कॉच है, तो वो आप ओन डाल सकते हो। उसके बाद है ग्राहकांचे समाधान हे आमचे ध्येय, ठीक है, ये कुछ आप जो दिया है वो सेम आपको लिखना है, सिर्फ उसमें आपको और आपके ओन वर्ड्स ऐड करके। पता है गुडीज आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम, महात्मा गांधी रोड, महेश ट्यूटोरियल समोर, ठाणे पश्चिम, अभी ये जो एड्रेस है वो आपको चेंज नहीं करना है, वही लिखना है। पर अभी यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है, तो क्या क्या चीजें मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे संपर्क क्रमांक नहीं, ये देखो कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी नहीं दिया है, तो ईमेल आईडी आपको लिखना है। अभी कॉन्टेक्ट नंबर मतलब कैसे लिखोगे, तो 91000 डाल के आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, सचमुच का आपका खुद का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी से बनाओगे जैसे www.goodiesicecream.com, ऐसे आपको ईमेल आईडी बनाना है। ओके, नेक्स्ट है, तो और क्या चीजें मिसिंग है, क्या और डाल सकते हैं आप, कि जैसे एक आइसक्रीम वर एक मुफ्त, ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है, एक आवर एक फ्री, और क्या लिखना आपको, शॉप, हाँ शॉप होता है, शॉप का टाइम क्या है, वेल सकाळ 8 संध्या का 10 बजे पर्यंत, रात्रि 10 बजे पर्यंत, ऐसे लिख सकते हो टाइम, और सोमवारी बंद या शुक्रवारी बंद, ऐसे कोई भी एक दिन बंद रहता है शॉप, ऐसे दिखाना है आपको। तो ये सब चीजें आपको ऐड करके और अच्छे से अट्रैक्टिव जाहिरात बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट किस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पूरी जाहिरात वाला खालील कृति सोडवा, आपको ऐसे जाहिर दिया जाएगा और आपको पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देने ही। ओके, अभी देखो पहला जो है शाळेचे व्यवस्थापक, अभी ये जो है पहले ये आपको प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट रीड करो, उसके बाद आपको आंसर पेपर पे लिखना है। क्या करना है आपको आंसर पेपर के बनाना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन के आंसर लिखने है, यहाँ पे आपको जाहिरात बनाने की जरूरत नहीं है आंसर पेपर पे, जाहिरात आपको दिया है क्वेश्चन पेपर पे, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने है, ये याद रखो, ठीक है। अभी देखो पहला जो क्वेश्चन है व्यायाम शाळेचे व्यवस्थापक, अभी पहले हम जाहिरात में तो आपको रीड करके दिखाती हूँ, क्वेश्चन पेपर में हमेशा पहले जाहिरात रीड करो उसके बाद क्वेश्चन के आंसर दो। देखो, आरोग्यमय धन संपदा वाळके शक्ती व्यायाम शाळा, प्रोफेसर विशाल वाळके यांची व्यायाम शाळा, वेळ सकाळी 5 ते 10, सायंकाळी 5 ते 9, योगासने व व्यायाम हीच आरोग्याची गुरु केली, आमची वैशिष्ट्ये, वातानुकूलित प्रशस्त जागा, सोयीस्कर वेळा, आधुनिक सामग्री, तज्ञ प्रशिक्षक, संपर्क वाळके शक्ती व्यायाम शाळा, प्राजक्त रोड, 14, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, व्यायाम शाळेचे व्यवस्थापक, अभी कौन व्यवस्थापक है, यहाँ पे पूरे एडवर्टाइजमेंट में एक ही इंसान का नाम दिया है, प्रोफेसर विशाल वाळके यांची व्यायाम शाळा, तो व्यवस्थापक मतलब वो किसका है, कौन है उसके मैनेजर, तो प्रोफेसर विशाल वाळके, तो फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ पे दिया है, वही आपको प्रॉपर लिखना है, प्रोफेसर विशाल वाळके। ओके, नेक्स्ट, व्यायाम शाळेच्या ब्रीद वाक्याचा अर्थ, ब्रीद वाक्य कौन सा है, तो आरोग्यमय धन संपदा, मतलब क्या, तो आरोग्य ही धनाची संपत्ती आहे, ठीक है। व्यायाम शाळेची दोन वैशिष्ट्ये, अभी यहाँ पे आमची वैशिष्ट्ये जहाँ पे लिखा है उसमें 4 पॉइंट दिए, उसमें से आपको दो कोई भी लिखना है, जैसे वातानुकूलित प्रशस्त जागा, वातानुकूलित मतलब एसी है, ओके, सोयीस्कर वेळा मतलब हमें
और जैसे टाइम मिलेगा वैसे टाइम वहां पे है। उसके बाद आधुनिक सामग्री, एक्सरसाइज करने के लिए जो रहता है ना सामान वहां पे, वो सब सामान है। उसके बाद तज्ञ शिक्षक, जो ट्रेन टीचर वहां पे है। तो ये चार जो है वैशिष्ट्य, उसमें से आपको कोई भी दो वैशिष्ट्य आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है देखो, जाहिरातीतून मिळणारा संदेश, क्या संदेश मिलता है? तो योगासने व व्यायाम हीच आरोग्याची गुरु किल्ली, ठीक है, ये संदेश हमें मिलता है। लास्ट है व्यायाम शाळा बंद असण्याची वेळ। अभी व्यायाम शाळा बंद कब है? यहाँ पे तो टाइम दिया है हमें, पर बंद कब रहेगा वो नहीं दिया है, तो हमें ये सोचना है। वेळ आहे सकाळी 5 ते 10 नि सायंकाळी 5 ते 9। तो यहाँ पे बीच का जो टाइम है, जो 10 बजे से 5 बजे तक क्या रहता है? बंद रहता है, सकाळी 10 ते सायंकाळी 5, समझ में आया? तो ये जो टाइम रहेगा तो वो बंद रहेगा। तो इसके लिए सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 बजे पर्यंत व्यायामशाळा बंद, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके प्रॉपरली आंसर लिखना है। क्वेश्चन भी लिखना है प्लस उसके साथ लिखना है, इसी पर नहीं लिखना है। जाहिरात यहाँ जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ओके। तो इस तरह से आपको ये टाइप का क्वेश्चन आता है, ओके। अभी ये उद्यान वरुण, जो मुद्दे दिए जाएंगे, पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको जाहिर है। जैसे यूनिफॉर्म, अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म आपको पता है, गणवेश यूनिफॉर्म तो सबको पता है। तो यूनिफॉर्म का शॉप है सुशांत यूनिफॉर्म्स, पॉइंट है वो भी बस मजेदार का इफेक्टर सवलत सर्व टांचानी सर सारांची। विश्वसनीय मतलब क्या? तो एकदम भसे दुकान है, बहुत चलता है। टिकाऊ मतलब बहुत अच्छा टिकाऊ है। ओके उसके बाद मतलब रीजनेबल प्राइस है वहां, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं। खास सहूलत स्पेशल, आपको सहूलत डिस्काउंट दिया जाएगा इस शॉप में। सर्वोगटांचे मतलब हर एक छोटे से लेके बड़े बच्चों की है, ठीक है। सर्व शाळांचे मतलब हर एक के यूनिफॉर्म यहाँ पे मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स रीड करके हमें ये समझना है कि हमें क्या क्या प्रॉपरली एडवर्टाइज में डालना है और लिखना है, और किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे तो आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो। देखो ये एडवर्टाइजमेंट कैसे देखो, दीर्घ परा विश्वसनीयता ओके देखो अभी यही जो सुशांत यूनिफॉर्म का जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या दिया है, विश्वसनीयता ही सीएसएचए है, सीएसएचए रहस्य। अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट हमें जो दिया था, विश्वसनीयता मतलब भरोसेमंद है, तो उसको यहाँ पे ये लाइन
ऐड करके लिखा है, ठीक है। सुशांत यूनिफॉर्म, अभी जो शॉप का नाम है कैसे बोल्ड में बॉक्स करके लिखा है प्रॉपरली, हमें मतलब पहले उसकी तरफ ध्यान जाता है कि शॉप का नाम क्या है, तो सुशांत यूनिफॉर्म। उसके बाद आएगा यहाँ पे कॉर्नर में, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, खरीदी पर 30% सहूलत, 30% डिस्काउंट रहेगा, जो भी आप खरीदी करोगे जितना लोगे उसके ऊपर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, ओके। आमची वैशिष्ट्य, अभी वैशिष्ट्य क्या है ये याद रखो, आमची वैशिष्ट्य में जो आपको पॉइंट्स दिया जाएगा वो आपको लिखना है, जैसे सर्व शाळांचे युनिफॉर्म, सर्व वयोगटांसाठी खास सवलत, टिकाऊ व दर्जेदार, माफक व किफायतशीर दर, माफक व किफायतशीर दर मतलब क्या, तो रिजनेबल प्राइस रहेगा। तो ये जो पॉइंट्स दिए थे हमें क्वेश्चन में, वही आपको आमची वैशिष्ट्य में ऐड करके लिखना है, याद रखो। सर्व शाळांचे युनिफॉर्म मिळण्याचे शहरातील एकमेव ठिकाण, सब स्कूल के युनिफॉर्म यहाँ पे मिलते हैं, सो पूरे शहर का एकमेव ठिकाण है, इसे बताना है, तो ही लोग आएंगे। उसके बाद आएगा संपर्क पत्ता, सुशांत यूनिफॉर्म, सेमजी रोड, कापड़ बाजार, अहमदनगर, संपर्क 9810000। जैसे मैंने बताया था आपको कि संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर आपका खुद का नहीं लिखना है, तो ऐसे लिखना है, याद रखो। उसके बाद आएगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में www.sushant.com, तो ऐसे आप यहाँ पे ईमेल आईडी बना के लिखना है, याद रखो। देखो आपको हमें इतना इजी है, देखो हमें क्या करना है कि जो टाइटल है वो लिखना है पहले, सुशांत यूनिफॉर्म, उसके बाद आमची वैशिष्ट्य में आपको जो पॉइंट्स दिए जाएंगे वो पॉइंट्स दिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो मुद्दावरुण जाहिरात लेकर करा, तो यही पॉइंट मोस्टली आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो इसके लिए ये इजी रहता है आपको कि डायरेक्ट आप वो पॉइंट्स आमची वैशिष्ट्य में ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद खरीदी और सहूलत आपको दिखाना है, डिस्काउंट दिखाना है कितना है, संपर्क लिखना है, संपर्क लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, पता लिखना है और ईमेल आईडी लिखना है, तो आपका जाहिरात टोटल पूरा अच्छे से हो सकता है, पर उसको लिखना भी प्रॉपरली अट्रैक्टिव लिखना है ताकि उसके ऊपर ध्यान जा सके, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको ये एडवर्टाइजमेंट लिखना है। अभी लास्ट पॉइंट है वो आकर्षक जाहिरात तैयार कर, कोई शब्द दी जाएगी, जैसे यहाँ पे शब्द दिए हैं छतरी, रेनकोट, हाउस, देखो तीन शब्द और उसके ऊपर आपको जाहिरात बनाना है। छतरी मतलब अम्ब्रेला आपको पता है, रेनकोट और पाउस मतलब बारिश, तो आपको ये तीन वर्ड से ये दिमाग में लाना है कि हमें शॉप का नाम पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। जाहिरात बनाने से पहले हमें क्या करना है कि शॉप, तो उसके लिए हमें कोई एक और नाम देना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टिप टॉप है या A1 छतरी वाली, टिप टॉप छतरी वाली, ऐसे आप कोई एक नाम दे सकते हो प्रॉपर, ओके। उसके बाद आपको डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट सहूलत कैसे देंगे, तो वो आपको प्रॉपरली सोचना ही, ठीक है। अभी देखो ये जाहिरात कैसे बना है, देखो यहाँ पे बारिश है, इसके लिए यहाँ पे एक सॉन्ग, एक कविता के चार लाइन, पोएम के चार दो तीन लाइन आप ऐड कर सकते हो ताकि लोगों का वहां पे ध्यान जा सके। टप 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 बोलती छतरी वरती, गाने गाती भर भर आला, गार मारा धुंध हाला पाउस धारा, तो यहाँ पे देखो बारिश लिखा है ना, पाउस वर्ड दिया है, इसके लिए यहाँ पे एक फोर लाइन का पोएम ऐड किया है। झक्कास रेनकोट अनछत्री, सारहना आहे पूरे पूर खात्री, देखो ऐसे राइमिंग वर्ड्स जुड़ेंगे आ सकते हैं, ऐसे हम लाइन डाल सकते हो, ओके अट्रैक्टिव करने के लिए। अभी यहाँ पे अम्ब्रेला का ड्राइंग भी बना है आपको, आपको रेनकोट का ड्राइंग आता है, रेनकोट का भी छोटा सा ड्राइंग कर सकते हो, पर ड्राइंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है छतरी आणि रेनकोट मजबूत बांधनी भक्कम कापड मनोहर रंगीबिरंगी नक्षिका, ये आपको आपके ओन से डालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ तीन वर्ड्स दिए हैं, तो यहाँ पे आपको सोच के डालना है क्या क्या रहना चाहिए। तो छतरी आणि रेनकोट, मजबूत बांधनी मतलब एकदम स्ट्रांग है उसका कपड़ा जो है, उसकी जो सिलाई है बहुत अच्छी सी सिलाई, स्ट्रांग है उसका, मजबूत है। भक्कम कापड़, कापड़ जो है, कपड़ा जो है बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। मनोहर रंगी बिरंगी नक्शिका मतलब कलरफुल और डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के अम्ब्रेला और रेनकोट यहाँ पे मिलेंगे,
झकास छत्रीवाले, छत्री मतलब वो जो शॉप का नाम दिया है उन्होंने, झकास छत्रीवाले, वांद्रे मुंबई 400050 कॉन्टैक्ट नंबर आपने ऐसे दिया है। पहले जो क्वेश्चन में मैंने दिया था जैसे बताया था वैसे भी आप लिख सकते हो। सर्व मॉल मध्य सर्व दुकानान मध्य उपलब्ध, सभी मॉल में सब दुकान में उपलब्ध ऐसे लिखा है। यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हो, प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल सकते हो, फिर संपर्क एड्रेस संपर्क लिख सकते हो। यहाँ पे अभी ईमेल आईडी नहीं दिया है, ईमेल आईडी डाल सकते हो आप। ओके और क्या नहीं दिया है तो जैसे मैंने बताया डिस्काउंट आपको देना है तो डिस्काउंट आप लिख सकते हो। जैसे पहले भी बताया मैंने वेयर दिया है, टाइम लिख सकते हो कि वेयर सकती सहाते सके 8 रात्रि 10 बजे पर्यंत, तो सोमवार बंद कौन बंद रहता है ये, तो इस तरह से आप जाहिरात कर सकते हो। देखो अभी जैसे मैंने सुशांत का जाहिरात बताया उस तरह से आपको अच्छे से प्रॉपरली जाहिरात बनाना है। देखो जैसे सुशांत मेरे को यूनिफॉर्म लिखा है दिया है, सिस्टम में कैसे पॉइंट्स डाल के दिया है तो वैसे ही पॉइंट्स डाल के आपको लिखना है। उसके बाद आएगा एड्रेस संपर्क कैसे देना है ये इम्पोर्टेंट है, और फिर ईमेल। ठीक है तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में जाहिरात लेखन आएगा लिखने को, तो वो आपको लिखना है। ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम की जाहिरात लेखन ऐसे ही आता है, जहाँ पे पॉइंट्स वैसे ही आपको मोस्ट टाइम आएगा। ठीक है तो इसके लिए आपको जो लैंग्वेज है आपको रीड करना प्रैक्टिस करना जो आपको वो वर्डिंग सेंटेंस बनाने को आना चाहिए तो ही आप जाहिरात अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है ये जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स के मीनिंग आपको समझ में आए तो आप अच्छे से प्रॉपरली लिख सकते हो जाहिरात। तो जाहिरात लेखन इतना इजी है कि आपको इजीली मार्क्स इसमें मिल सकता है, पर प्रॉपरली अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में जैसे मैंने बताया वैसे आप लिखोगे तो ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स तो आप अच्छे से में होगा तो और अच्छे से प्रैक्टिस करो जाहिरात लेखन बनाने का, और अलग अलग क्वेश्चन रीड करके उसके जाहिरात बनाने की कोशिश करो, खुद ओन से वर्डिंग डालने की कोशिश करो। ओके तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है। ओके टुडे इज दिस मच ओनली, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे जाहिरात लेखन करना है। ओके थैंक यू। हेलो हेलो
हेलो टीचर,